प्रतिशत लोगों का आशा और बिहार ही नहीं करीम जुम्मा का गौरव आदरणीय बिहार के प्रति आपको आप फैसला बिहार के खिलाफ न करें। उनके पिताजी को आपने देखा कि कैप्टन जनरल गई सोने की लंका भाई भाई ने भेज रहे। इसलिए आप तमाम गरीब गुरुआ भाइयों अति पिछड़ा करके अति पिछड़ा के भाई गरीब गुरुआ का उम्मीदवार 85% लोगों का उम्मीदवार हमारे चंदन यादव जी, चंदन यादव जी, अशोक यादव जी अपने लेटर पैड पर लिख करके देते हैं कि इस एयरपोर्ट को दरभंगा शिफ्ट कर दिया जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, सब पिछड़े अति पिछड़े भाई उनको जो आरक्षण बाबा साहब ने जो देने का काम किया है उनको बचाने का ये चुनाव। आप लोग जानते हैं भाजपा की सरकार जो है ये पूरे तरीके से जो है मनुवादी लोग और नागपुरिया कानून को ये लोग हमारे बाबा साहब के संविधान के जगह पे ये लोग लिखने का काम करना चाहते हैं। हमारे संविधान खतरे में है और आज हम लोग सब लोगों का फर्ज बनता है कि अपने संविधान का हम लोग रक्षा करने का काम करें। हम लोगों को कठिनाई कोई बात का नहीं, लेकिन दर्द है जिसको हम लोग सह रहे हैं। वो दर्द है कि आपके नेता आदरणीय लालू जी आज हम लोगों के बीच शारीरिक तौर पे, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिस चुनाव में लालू जी आप लोगों के बीच हम लोगों के बीच नहीं। ये भाजपा के लोगों ने लालू जी को जबरन फंसा करके साजिश रच करके जेल भेजने का काम किया है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो वो लालू यादव से डरते हैं। अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं है जो हमारे आरक्षण और संविधान के साथ आप देखिएगा कि हमको हमारे बीमार पिता से मिलने नहीं दिया गया। हम रांची गए थे 12 दिन 15 दिन पहले, लेकिन हम गिड़गिड़ाते रह गए, गुहार लगाते रह गए, लेकिन हमको 10 मिनट ही मुलाकात नहीं करने दिया गया। एकदम पाबंदी लगा दी। जब हम देखिए जनता की अदालत कहाँ है, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है न्याय। और जनता की अदालत से और कोई बड़ा अदालत नहीं होता है। आपसे हम पूछते हैं कि बताइए एक बेटे को एक बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? आप उठा के बोले मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? लेकिन भाजपा के लोगों ने मिलने नहीं दिया। और लालू जी का इलाज भी ढंग से नहीं होने दे रहे। डॉक्टर वहां का रिम्स प्रशासन का कहता है कि लालू जी को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं ले जाने दिया जा रहा है। तो आप लोग समझिए
कि किस प्रकार से लालू जी को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे सताने का काम किया जा रहा है ये भाजपा के लोग और हमारे पलटू चाचा है यहाँ। पलटू चाचा पलटी मार गए, धोखा दिया आंजे जी को नहीं, लालू जी को नहीं, हमको नहीं, बल्कि पूरे जनादेश का अपमान किया है उन्होंने और पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता को उन्होंने धोखा देने का काम किया है। आप लोग सब लोग जानते थे कि हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, महागठबंधन बनाया ताकि सांप्रदायिक शक्तियां जो है वो आ नहीं सके बिहार की धरती पर, और जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको हम लोग दूर रखना चाहते थे। इसलिए सारी कुर्बानी लालू जी ने देकर के भी नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश जी क्या कहते थे पहले, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, लेकिन बताइए भाजपा में तो मिल रहा है, अब मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोग। एगो चाची 420, अभी देख रहे हैं चाचा 420। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पलटू चाचा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने, आप देखिएगा मोदी जी मुद्दे पे नहीं बात करते, मोदी जी किसान के बारे में नहीं बात करते, किसानों की आय दुगुना हो इसके बारे में चर्चा नहीं करते, नौजवान जो मेरा भाई बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने के बारे में नहीं बात करते। क्या बोला था मोदी जी ने कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो नौजवानों को देने का काम करेंगे। कितने बेरोजगार हैं यहाँ हाथ बताइए तो, कितने को मोदी जी ने रोजगार दिया, तो नौजवानों को ठगने का काम किया। मोदी जी बोलते थे कि किसानों का आय दुगुना करेंगे, आय दुगुना हुआ, किसानों का कर्ज माफी हुआ, खाद बीज भी मिलना मुश्किल हो गया है किसानों को। और प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि किसान जब जाता है मिलने प्रधानमंत्री जी से तो प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता है, किसान रेंगते रेंगते जाता है तो प्रधानमंत्री जी लाठी चलवाते हैं किसानों पर। दिल्ली में जब गया था किसान, यूपी के किसान, पूरा संगठन जो गया था, उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री के पास किसान से मिलने का समय नहीं लेकिन प्रियंका चोपड़ा की शादी में जाने का समय। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसमें आप लोग अगर अपने संविधान को बचाना चाहते हो, आरक्षण को बचाना चाहते हो, लालू जी को न्याय दिलाना चाहते हैं कि नहीं दिलाना चाहते, तो राजभूषण चौधरी जी को भारी से भारी मत देकर के नाव छाप पर आप लोग बटन दबाइए और इनको विजय बनाने का काम कीजिए, तब जाकर के आपका संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा और लालू जी को जो है वो न्याय मिलेगा। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अभी हर जगह सभा भी हम लोगों को है, करना है, जाना है, लेकिन मोदी जी मुजफ्फरपुर आए थे, आए थे पूछे नहीं कि काहे ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, नहीं दिया, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य दिया, क्यों नहीं बिहार ने 20 मार्च 20 बना। तो मोदी जी जो है इनकी पूरी जो राजनीति है ये बनावटी, मिलावटी और दिखावटी है। लोग नारा लगाते थे, कितने लगाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, हम लोग उस समय बोलते थे ये हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। एक बात समझ लीजिए, 4 चरण हो गया है चुनाव और चारों चरण में हम लोग जो है एक तरफा महागठबंधन के लोग जहां जहां लड़ रहे हैं वहां वहां, हमको तकलीफ है अपने चाचा को देखकर, तरस इस बात पे आता है कि बेचारे चाचा का हाथपैयों में क्या हाल बना रखा है। आजकल बॉडी लैंग्वेज अगर उनका देखिएगा तो एकदम उतरा उतरा सा, तो एकदम मुंह लटका हुआ है, तो आप जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग पूरी तरीके से आशीर्वाद और समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा।
के यहाँ खोलेगा, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा बोलिएगा, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, तो आप लोगों की अनुमति हो तो राजभूषण जी को हम विजय के माला दे रहे हैं। बोला कि बेटा जब भी निराश हो गए, दुखी हो गए, तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। तो आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के और आप देखिएगा इस चुनाव में हमारे पिता हमारे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है शारीरिक तौर पे, लेकिन आप लोग सब लोग भाजपा को प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्या कहा था कि लालू जी को जेल करा दिए, अब जो लोग बेल पे यानी हमको वो लोग जेल कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को इतना कहेंगे कि इनके गिरे भक्ति से हम लोग लड़ने वाले हैं, तो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो आप लोग सब लोग आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए, और आपका ये जो प्यार है, यही प्यार और समर्थन और आशीर्वाद जो है, ये हम लोगों का जज्बा और हौसला बढ़ाने का काम करता है और लड़ने का ताकत देने का काम करता है। आप लोग सब लोगों को, राय घाट की महान जनता को हम दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और हम निश्चिंत होकर के यहाँ से लौटते हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग जो है नाच आपको राजभूषण जी को विजयी बनाने का काम करेगा। तो राय घाट की जनता जिंदाबाद, 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 जय हिंद। करके देते हैं कि इस एयरपोर्ट को दरभंगा शिफ्ट कर दिया जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा